गुट का रेट बढ़ा रहे हैं, ऐसे हाँ आपने कहीं तकलीफ है? नहीं, तकलीफ आपने यह है कि आम जनता की जेब पर तो डाकू घल रहे नहीं, हैं जब यह आम जनता खाई क्यों है गुट को? नहीं, खाई क्यों है? बतारी बात सही है, खाई क्यों ही, पर भैया और लूटे लूटे आप है ना, हाँ लूट रहा है मान ले, ही तो कार्रवाई करो ना, ये बेच रहे ही। मार कन कार्रवाई करवाना भाई, बहुत चीज है। मेरे लोगों ने मास्क पहना भाई की कार्रवाई करा, फलना करा, उस माने फुर्सत मिलेगी जन में गुटखा कार्रवाई करा। ने गुट को 2 रुपया की जगह 10 रुपया को मिल रहे थे ना, तो उस मेरे सेहत पर कोई फर्क कौन पड़ रहा? नीमका थाना एसडीएम ने पत्रकार के पास वार्ता में कालाबाजारी के मामले को लेकर गुटखा खाने वालों को की गाली गलौज। गुटखा कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों का लिया पक्ष। देखिए उपखंड अधिकारी व कहता रहा पत्रकार के बीच वार्ता में क्या क्या कहा उपखंड अधिकारी ने। फिलहाल गुटखे की कालाबाजारी पर कार्रवाई नहीं करने की कही बात। नीमका थाना में गुटखा तम्बाकू की कालाबाजारी का धंधा जोरों पर। एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में गुटखा व्यापारी मूल्य से अधिक रुपए में बेच रहे हैं गुटखा तंबाकू, और साथ ही आगे देखिए गुटखा तंबाकू की कालाबाजारी भी वीडियो में साफ नजर आ रही है। बड़े होलसेलर गुटखा व्यापारी रिटेलर दुकानों को कालाबाजारी कर बेच रहे हैं सामान, कूट रहे हैं चांदी। पत्रकार ने गाइडलाइन को लेकर वीकेंड कर्फ्यू एवं कालाबाजारी को लेकर दूरभाष पर करवाया था अवगत और जाननी चाहिए थी प्रतिक्रिया। एसडीएम ने गाली गलौज करते हुए कालाबाजारी पर फिलहाल अंकुश नहीं लगाने की कही बात। पत्रकार दीपक ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जनसंपर्क मंत्रालय एवं पोर्टल सहित सीकर जिला कलेक्टर को भेजी शिकायत। नीमका थाना एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने दूरभाष पर पत्रकारों को किया अपमानित। 4 रोज पूर्व कपड़ा व्यापारी को भी मारा था उपखंड अधिकारी ने थप्पड़ और की थी बदसलूकी। नीमका थाना में कालाबाजारी का खेल जोरों पर चल रहा है, जिसमें गुटखा व्यापारी गुटखे की मूल्य से अधिक रेट पर गुटखा बेच रहे हैं और रिटेलर दुकानदार भी मूल्य से अधिक गुटखे खरीद रहे हैं। जो तानसेन 5 रुपए की आती थी, आज वो 8 रुपए के करीब मिल रही है, और जो सिगरेट 10 रुपए की आती थी, वो करीब 12 रुपए के करीब मिल रही है। गुटखे के नाम पर जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, और सीधा सीधा इसमें प्रशासन भी कुछ करता नहीं नजर आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि एक कैसे हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें गुटखा दुकानदार सिगरेट के और तानसेन या आदि गुटखे के अधिक मूल्य पर बेच रहा है। और इसके साथ साथ ही नीमका थाना में हमने उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार गुप्ता से कालाबाजारी को लेकर बात की, तो उन्होंने अभद्र भाषा में और गुटखे खाने वालों को गाली निकाल कर कहा कि मेरा इसमें क्या जा रहा है, मैं कार्रवाई करूंगा तो अपने हिसाब से करूंगा, अभी मास्क आदि की कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने अभद्र भाषा को प्रयोग करते हुए एक पत्रकार को भी गाली निकाली है, जो अशोभनीय है, और जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जनसंपर्क विभाग और जिला कलेक्टर सीकर को की गई है। नीमका थाना में कालाबाजारी का धंधा जोरों पर पनप रहा है, और एक पूरी गैंग है नीमका थाना में जो कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। थाना में जो गुटखे की कालाबाजारी चल रही है, उसको लेकर यहां के बड़े अखबार भी उस खबर को प्रकाशित नहीं करते। एक पत्रकार के साथ एसडीएम उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार गुप्ता ने अभद्र व्यवहार किया और गुटखा खाने वालों को और पत्रकार को अभद्र भाषा में गाली निकालते हुए भाषा का प्रयोग किया। उस मामले में यहाँ की वो न्यूज भी बड़े अखबारों द्वारा प्रकाशित नहीं की गई। यह बहुत चिंता का विषय है। मामले को दबाना कुछ बड़े अखबारों का कार्य है। नीमका थाना में रसूखदार और प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से यहाँ के बड़े अखबार कुछ नीमका थाना के पीड़ितों के भी न्यूज नहीं छाप पाते, यह भी शोचनीय विषय है। दूसरी बात, कालाबाजारी के इस खेल को, इस गैंग के खेल को हम निरंतर उठाते रहेंगे, और नीमका थाना में कालाबाजारी के नाम पर जो लूट हो रही है, उसको रुकवाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। आम जन की मांग हम निरंतर उठाते रहेंगे, और आम जनता की मेहनत की कमाई को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सीधी सी बात है, गुटखे पर कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगे और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए, और सच्चाई की मांग निरंतर उठनी चाहिए। और गुटखा खाने वालों से भी मैं निवेदन करूंगा, अगर 5 दिन आप गुटखा नहीं खाओगे तो इन गुटखा व्यापारियों की, कालाबाजारी करने वालों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरा यही निवेदन है कि कृपया जो भी गुटखे की कालाबाजारी करता व्यापारी नजर आए, उसके खिलाफ 108, 181 और पुलिस थाने में
शिकायत की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए और इन गुटके की कालाबाजारी करने व्यापारियों के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाए नीम का थाना क्षेत्र सहित आम राजस्थान की जनता के द्वारा, और हम आपकी निरंतर मांग आप लोगों के लिए उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काला रेट बढ़ा रहे जे हैं, ऐसे आपने कहीं तकलीफ है? नहीं, तकलीफ आपने ना यह है कि आम जनता की जेब पर तो डाकू गल रहे हैं। आम जनता खाई क्यों है गुटको? बाबा थारी सही है, बेची क्यों ही? तो नहीं, खाई क्यों है? थारी बात सही है, खाई क्यों ही? पर भैया आप है ना, हाँ लूट रहा है मान ले है ना, और तेरी जानकारी में जाए तो एक जिम्मेदार नागरिक के पालना के तहत तुम मुकदमा दर्ज कराया कोतवाली। मैं एक बात बताऊं भगवान, पिछली बार मुकदमा कराए हो, आज हजार हजार रुपया हम छूट गया है ना। हाँ तो मुकदमा में तो जो तारा मैंने मुकदमा होगा जी का, मैंने जज साहब जो है छोड़ेगा जी छोड़ेगा। बात थारी सही है, थारी तो कार्रवाई करो ना, ये बेच रही मारकन कार्रवाई करवाने भाई बहुत चीज है, मेरे लोगों ने मास्क पहना भाई की कार्रवाई करा फलना करा, उस माने फुर्सत मिलेगी जन में गुटखाना कार्रवाई करा। बात सही है तारी, पर करोड़ रुपया तेरी पिछले तेरी कोई तेरी कोई दुकानदार सु आठ छे तो तू ना, मुकदमो मेरी दर्ज कोई आंट को ना, तो मेरी फिर तो सुन, हाँ कोई गुटका का बड़ा मा ने गुटको 2 रुपया की जगह 10 रुपया को मिल रहे थे ना, तो उस मेरे सेहत पर कोई फर्क कौन पड़ रहा? बात थारी बात सही है, पर ठीक है ना, आम जनता की जेब पर तो आम गाल रहे जनता हैं की डाकू ने। कह, अरे आम जनता थोड़ी, आम जनता ने गुटको का वो डॉक्टर बता रहा क्यों थे वो क्यों ले गुटको, रहे थे? मेरी बात सुनो, सरकार दारू बिकवारी है, गुटको बिकवारी है, नहीं तो बिक्री हो तो फिर ना। सरकार ने तू छोड़ तेरे काम कर, हाँ फालतू नेतागिरी मन करो नहीं तो अनावश्यक ये रूप। भगवान यो गलत है थारो दियो बोल, वो भी नहीं आज बिल्कुल नहीं गलत है। गलत है नहीं, ये पिछली बार फालतू भी की ये 5-7 चीजें भाई करोड़ रुपए आप। इन्होंने कमाए हैं, और हाँ पिछली तो बार कमाए हैं तो मैं क्या करूं भाई, तेरे को हिस्सा थोड़ी दिलवा दूं उनकी नहीं, कमाई के हिस्सा तो अंदर मेरे को यार, चाहे नहीं, मेरे को तो 2.5-3 लाख तो दे रहे थे, फिर मैंने तो नहीं लिया एक रुपया आज तक किसी मुकदमा से। दर्ज करा जाके। मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कार्रवाई करोगे? आप नहीं हाँ करोगे कर क्या? देंगे, हम नियमानुसार कर देंगे क्या कार्रवाई। करोगे? तो आप तो उल्टा बोल रहे हो सर, ये आपका तरीका है अब क्या ते बात करने फोन का? रख देता था, फोन रख दे।